अब हम बात करेंगे भोजन में रसायन का एक अलग जो वर्ग है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का, या कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने वाले पदार्थ, या जिसे हम कृत्रिम मधुरक भी कहते हैं। तो प्रायः इसका प्रयोग आप देखते ही हैं कि जो शुगर पेशेंट होते हैं, जिनको डायबिटीज़ है, या कि जिनका मोटापा बहुत अधिक बढ़ गया है, जो अपने वजन में नियंत्रण रखना चाहते हैं, प्रायः वे लोग इस तरह के स्वीटनिंग एजेंट्स का प्रयोग करते हैं। तो शक्कर का प्रयोग जो है वो हमारे शरीर के लिए, सभी सामान्य व्यक्ति के लिए भी शक्कर का प्रयोग बहुत अधिक प्रयोग हानिकारक होता है। शक्कर लेकिन प्राकृतिक मिठास उत्पन्न करते हैं, लेकिन बहुत अधिक जब शक्कर को ग्रहण करते हैं तो उससे मोटापा बढ़ता है, मधुमेह होने लगता है, या विभिन्न प्रकार की कोरोनरी हार्ट रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं वो शरीर में डेवलप हो जाती हैं। तो इस वजह से इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए इस प्रकार के जो स्वीटनिंग एजेंट है आर्टिफिशियल, उनको बनाया गया है। तो लेकिन इसकी विशेषता है कि ये शक्कर से भी अधिक मीठे होते हैं, लेकिन शक्कर जितने ज़्यादा हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन मिठास में ये शक्कर से भी कई गुना अधिक होते हैं। तो बहुत अधिक प्रयोग में लाया जाता है एक जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, वो है सैकरीन। तो सैकरीन जो होता है, इसमें देखा गया है कि ये प्राकृतिक जो शर्करा है उसकी तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है। इसी प्रकार एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है जो कि 180 गुना अधिक मीठा होता है। तो इन्हें कृत्रिम मधुरक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें आर्टिफिशियली बनाया गया है। तो इसका जो प्रयोग है वो कम मात्रा में और कम सांद्रता में ही किया जाता है, और इसकी कोई भी पोषक वैल्यू नहीं होती है। तो हमने देखा कि जितने भी भोजन में रसायन में जितने भी जैसे प्रिजर्वेटिव है या कलर है या फ्लेवर है या आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, इनमें किसी में भी किसी प्रकार की पोषक वैल्यू नहीं होती है। केवल जो सप्लीमेंट्स मिलाए जाते हैं किसी भोज्य पदार्थ की पोषक वैल्यू को बढ़ाने के लिए, तो उसमें मिनरल्स डाले जाते हैं, विटामिन्स डाले जाते हैं, वहाँ पर वो उसका जो पोषक वैल्यू है वो रहता है। लेकिन यहाँ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो है, इसमें किसी प्रकार का कोई पोषक मान देखने को नहीं मिलता है। तो हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे जो सैकरीन है। सैकरीन जो है वो बहुत ही लोकप्रिय मिठास उत्पन्न करने वाला एक पदार्थ होता है, और इसकी जो खोज है वो 1879 में हुई, और जल में ये अविलेय होते हैं, लेकिन इसके जो सोडियम और कैल्शियम लवण होते हैं वो जल में विलेय होते हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम है ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइट। तो ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइट का जब स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, या हम कह सकते हैं कि ये बेंजीमाइड है, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ ये जुड़ा हुआ एक और रिंग है जिसमें NH लगा हुआ है, और इसमें आप देखिए ऊपर CO है और नीचे SO2 है, तो ये बन गया ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। तो ये सैकरीन का ही रासायनिक नाम होता है। तो सैकरीन जो पदार्थ है ये क्रिस्टली होता है, सफ़ेद होता है, और इसमें किसी प्रकार का कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होता है। इसका जो उपयोग है, सैकरीन का उपयोग प्रायः आजकल आप सुनते भी होंगे कि शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक, शुगर फ्री पान मसाला, शुगर फ्री सुपारी, शुगर फ्री चॉकलेट, तो इन सब में इस प्रकार के आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का प्रयोग किया जाता है। तो सैकरीन जो है इसका प्रयोग पेय पदार्थों में, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, और पान मसाला, सुपारी, चॉकलेट, बिस्किट, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। और चूँकि इन वस्तुओं में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो कोई भी मधुमेह वाला व्यक्ति, मधुमेह रोग से ग्रसित व्यक्ति, या मोटे व्यक्ति, या जो बहुत ही डाइट कंट्रोल में है, वे लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं। और ये 550 गुना अधिक मीठा होता है केन शुगर की तुलना में। अब हम बात करेंगे एस्पार्टेम। एस्पार्टेम भी एक बहुत अच्छा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है जिसका प्रयोग बहुत आयत किया जा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें दो एमिनो अम्ल होते हैं, एक होता है एस्पार्टिक अम्ल और दूसरा होता है फेनिल एलेनाइन। तो इन दोनों का डाईपेप्टाइड, या इन दोनों के डाईपेप्टाइड का जो मेथिल एस्टर होता है वही कहलाता है एस्पार्टेम। तो यहाँ पर आप इसमें देखिए जो एक पार्ट है एस्पार्टिक अम्ल का पार्ट हो गया एक पार्ट, तो इसमें देखिए OH है, फिर C डबल बॉन्ड O है, फिर CH2 है, फिर CH NH2 है, फिर CO,
फिर NH है, फिर CH, C डबल बॉन्ड O, O CH3, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के नीचे है CH2 और एक बेंजीन रिंग। तो ये फेनिल एलेनाइन मेथिल इस्टर पार्ट है, और इधर वाला जो पार्ट है ये कहलाता है एस्पार्टिक अम्ल का भाग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दो एमिनो अम्लों का जो मिश्रण है वो ही कहलाता है एस्पार्टेम। तो ये जो एस्पार्टेम होता है ये शक्कर की तुलना में 100 गुना ज़्यादा मीठा होता है, और गर्म करने पर ये अपघटित हो जाते हैं। कई जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं, च्युइंगम है, कॉफ़ी है, या ठंडे जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें एस्पार्टेम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि खाना पकाने के तापमान पर ये अस्थाई होते हैं। तो प्रायः ठंडे जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें इस तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। ये देखा गया है कि बहुत अधिक सफल और ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला कृत्रिम मधुरक होता है। अब हम अगला जो कृत्रिम मधुरक है एलिटेम, इसके बारे में जानेंगे। एलिटेम एक बहुत ही प्रबल आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है जो कि एस्पार्टेम से ज़्यादा स्थाई होता है, और ये सुक्रोज की तुलना में 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है। यहाँ पर जो एस्पार्टेम की तुलना में ये होता है बहुत अधिक स्थाई होता है। तो इसमें देखा गया है कि एलेनाइन मॉइटी से जुड़ा हुआ होता है, और एलिटेम की क्षमता को ये और अधिक बढ़ा देता है। तो जब हम इसकी संरचना को देखते हैं तो देखिए OH, CO, फिर CH2, फिर CHNH2, CONH, और CONH से जुड़ा हुआ है CHCS3, और CHCS3 से जुड़ा हुआ है CO, और CO से जुड़ा है NH, CHNH, फिर CH, CH से जुड़ा है C, और इधर S, यहाँ पर C, और इस C से नीचे दो CH3 जुड़ा है, और ऊपर जो C है उससे भी दो CH3 जुड़ा हुआ है। तो ये जो पूरा एक लंबा स्ट्रक्चर है ये एलिटेम का स्ट्रक्चर है। इसको कहते हैं कि ये एलेनाइन मॉइटी से जुड़ा हुआ एक पार्ट है। अब हम सुक्रालोज की बात करते हैं। नाम से स्पष्ट है कि सुक्रोज स्ट्रक्चर इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा, और ये सुक्रोज का ही ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न होता है सुक्रालोज। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सुक्रालोज है ये शक्कर के जैसा ही है, लेकिन शक्कर के बहुत अधिक प्रयोग से दंत क्षय हो जाता है, लेकिन सुक्रालोज के बहुत अधिक प्रयोग से भी दंत क्षय नहीं होता है। तो सुक्रालोज और जो सुक्रोज है इसकी संरचना में हम डिफरेंस देखते हैं। तो सुक्रोज की स्ट्रक्चर में आप देखिए इस तरह से एक सुक्रोज जो है इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, एक 6 सदस्यीय रिंग है और एक 5 सदस्यीय रिंग है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए सुक्रोज की संरचना में यहाँ पर 3 क्लोरीन है। सुक्रोज की संरचना में ही जो OH है या 3 जगह पर रिप्लेस किया गया है, 2 जगह पर OH को हटाकर Cl है, और 1 जगह पर यहाँ भी देख रहे हैं कि OH को हटाकर Cl जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक OH को हटा के Cl जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूसरे रिंग में जो 5 सदस्यीय रिंग है वहाँ पर भी CH2OH को हटाकर CH2Cl है, और इसी 5 सदस्यीय रिंग में CH2OH की जगह पर OH हटाकर Cl जुड़ा हुआ है। तो सुक्रालोज जो है वो सुक्रोज का ही ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न होता है। तो यहाँ पर सुक्रोज की संरचना ही बनाना है, सिर्फ उसके OH को हटाकर 3 जगह हम Cl को लगा देते हैं। अब हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं। प्रायः जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें कुछ ऑयल होता है, कुछ फैट होता है, तो जो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलता है, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें कि थोड़ी मात्रा में ही फैट है, तेल है, या आप देखते होंगे कि तेल से बने हुए जो कई खाद्य पदार्थ होते हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं, उसमें स्मेल आने लगता है क्योंकि वो बासी हो जाते हैं और उसका जो स्वाद है वो भी नष्ट हो जाता है, अलग तरह का गंध आने लगता है। तो ये सब जो है वो सड़ने के कारण होता है। तो यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट्स का जो कार्य होता है वो इस सड़न को बचाता है। इस तरह के जो तेल युक्त पदार्थ होते हैं या तेल युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको थोड़े समय के लिए एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर थोड़े समय के लिए उसको अरुचिकर बनाने से या स्वादिष्ट होने से बचाया जा सकता है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये खाद्य पदार्थ में फैट या तेल के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इस एंटीऑक्सीडेंट को मिलाया जाता है। जैसे नाम से स्पष्ट है एंटीऑक्सीडेंट,
खाद्य पदार्थ में जो तेल और फैट के कारण होने वाला जो ऑक्सीडेशन है उसको ये कम करता है, उसको ये रोकने का कार्य करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटिव्स होते हैं, फूड एडिटिव्स होते हैं, और इसका जो नेचर है वो बलिदानी टाइप्स होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलता है या जैसे ही ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो ये ज़्यादा क्रियाशील हो जाते हैं, ये स्वयं ज़्यादा क्रियाशील हो जाते हैं। तो भोज्य पदार्थ की रक्षा हो जाती है, क्योंकि भोज्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट मिला है, तो जब ऑक्सीजन के प्रभाव में आते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा क्रियाशील हो जाते हैं, तो भोज्य पदार्थ जो है वो सड़ने से या अरुचिकर होने से बच जाता है कुछ समय के लिए। तो खाद्य पदार्थों में जब एंटीऑक्सीडेंट को मिलाया जाता है तो जो खाद्य पदार्थ है वो जो काल प्रभावन प्रक्रिया या एजिंग की प्रक्रिया, इसमें यहाँ पर जैसे ही एंटीऑक्सीडेंट को मिलाया जाता है तो जो एजिंग में मुक्त मूलक के समृद्ध होने की जो दर है उसको भी ये कम करने लगते हैं। तो मतलब थोड़े समय तक भोज्य पदार्थ को बचाया जा सकता है। तो बहुत ही प्रमुख प्रयोग में लाया जाने वाला जो एंटीऑक्सीडेंट है वो है BHA। तो ये जो BHA है इसका पूरा नाम होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलवीन। तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलवीन जो है वो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी संरचना आप देखिए, एक बेंजीन रिंग है, या हम इसको फिनॉल बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में ले सकते हैं कि बेंजीन है उसके ऊपर एक OH लगा है, तो ये फिनॉल स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी में जुड़ा हुआ है CH3, तो हम इसको अगर फिनॉल को ना देखें, OH को ना देखें, तो हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर में टॉलवीन कह सकते हैं इसको, क्योंकि बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ है CH3। अब इस OH के ऑर्थो पोजीशन पर दोनों तरफ CCH3 होल 3 और CCH3 होल 3 इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो ये बन गया BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलवीन। तो चूंकि टॉलवीन इसका बेसिक स्ट्रक्चर है और इसके दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि ब्यूटाइलेटेड फॉर्म में CCH3 होल 3 जुड़ा हुआ है और हाइड्रोक्सी के लिए यहाँ OH जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। प्रायः जो मक्खन है, मक्खन को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी जगह पर कई जगह BHT की जगह पर BHA का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो ये BHA क्या होता है? तो BHA भी इसी तरह का एंटीऑक्सीडेंट ही है, लेकिन यहाँ पर टॉलवीन के स्थान पर एनिसॉल लिया जाता है और थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी जो एनिसॉल है BHA, इसकी संरचना में आप देखिए किस तरह से एक फिनॉल ग्रुप है और उसमें OCH3 जुड़ा हुआ है, तो ये इसका एनिसॉल फॉर्म हो गया, यानी बेंजीन रिंग में जब OCH3 जुड़ता है तो ये एनिसॉल होता है, और इसके पैरा पोजिशन पर जुड़ा हुआ है OH, और ये बेंजीन रिंग से जुड़ा है CCH3 होल 3 जुड़ा हुआ है। तो BHA का प्रयोग जो है वो अक्सर साइट्रिक अम्ल के साथ या साइट्रिक अम्ल से के ग्रुप के जितने यौगिक हैं उनके साथ इसका प्रयोग किया जाता है, और ये बहुत अधिक सक्रिय प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। कुछ जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड या सोडियम सल्फाइड, इसका प्रयोग बेवरेज वगैरह में कटे हुए सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए या जो शुष्क फल है उनको सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है, और प्राकृतिक उत्पाद जैसे कि विटामिन सी जिसका केमिकल नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन ई जिसका केमिकल नाम टोकोफेरॉल होता है, इसको भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जैसा हम सोच रहे थे कि भोजन में रंग बिरंगा भोजन जब हम देखते हैं तो वास्तव में ये रंग क्या है? तो भोज्य पदार्थ का जो रंग है वो बहुत ही सेफ होना चाहिए। ये कुछ प्राकृतिक भी हो सकते हैं, कुछ संश्लेषित भी हो सकते हैं। तो भोजन में रंग जो है वो क्यों डाला जाता है? ताकि भोजन जो है वो रुचिकर हो जाए, उससे किसी प्रकार के स्वाद में वृद्धि नहीं होती है, ना ही उसका कोई पोषक मान होता है, किसी प्रकार का कोई कैलोरीफिक वैल्यू, किसी प्रकार का कोई पोषक वैल्यू उसमें नहीं होता है, लेकिन ये देखने में भोज्य पदार्थ को सुंदर बनाता है, और ये संश्लेषित भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं।
लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ फूड कलर्स जो हैं वो गंभीर बीमारियों को भी जन्म देते हैं, जैसे टेट्राजीन नामक जो एक फूड कलर है जिस केमिकल का प्रयोग करते हैं, तो ये कैंसर के लिए उत्तरदायी माने गए हैं। कुछ जो प्राकृतिक डाइज होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल है जो हरा कलर है, एंथोजेंथिन है जो हल्का पीला रंग लिए होता है, कैरोटीनॉइड है जो पीला नारंगी होता है, सेफ्रॉन है जो केसर का रंग होता है नारंगी, इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ में किया जाता है। और आजकल तो कई तरह के कृत्रिम कलर्स का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो कुछ जो भोज्य पदार्थ हैं जिसका प्रयोग करके भी हम कलर उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे यदि हम पालक का प्रयोग करते हैं तो हरा रंग उत्पन्न होगा, ब्लूबेरी का प्रयोग करते हैं तो जामुनी रंग उत्पन्न होगा, यदि हम अनार या रसबेरी का प्रयोग करते हैं तो लाल गुलाबी रंग बनाया जा सकता है भोज्य पदार्थ का रंग, इसी तरह से पीला नारंगी रंग यदि लाना है तो गाजर का प्रयोग कर सकते हैं, केसर का प्रयोग कर सकते हैं, आम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ प्राकृतिक कलर हैं जो भोज्य पदार्थ को रुचिकर बना सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी हैं जिसका प्रयोग करके भिन्न भिन्न तरह के और कलर उत्पन्न किया जा सकता है भोज्य पदार्थ को सुंदर बनाने के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ कलर्स के बारे में, कुछ प्राकृतिक रंगों के बारे में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ब्रिलियंट ब्लू। तो ब्रिलियंट ब्लू जो है इसका प्रयोग किया जाता है जेली में, सिरप, आइसिंग करने में, यानी केक के ऊपर जो आइसिंग वगैरह किया जाता है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। किसी तरह का कोई एक्सट्रैक्ट बनाना है उसको कलर देना है तो उसमें भी ब्रिलियंट ब्लू का प्रयोग किया जाता है। इंडिगोटीन जो है वो नीले रंग लिए हुए होता है और इसका प्रयोग कुछ बेक्ड फूड, मतलब कि कुछ बेकिंग जो आइटम्स होते हैं या आइसक्रीम है ये चेरी वगैरह में या कुछ स्नैक फूड में इसका प्रयोग करते हैं। फास्ट ग्रीन जो केमिकल होता है इसका प्रयोग अक्सर आइसक्रीम में, चेरीज़ वगैरह में, डेयरी प्रोडक्ट जो है या पुडिंग बनाने में या बेकिंग आइटम्स में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह एरिथ्रोसिन जो है वो भी कई डेयरी प्रोडक्ट में प्रयोग किया जाता है, कई बेक्ड फूड में प्रयोग किया जाता है। अलुआ रेड इसका प्रयोग भी जिलेटिन में किया जाता है या पुडिंग बनाने में या डेयरी प्रोडक्ट में किया जाता है। तो प्रायः हम देख रहे हैं कि इसी तरह के प्रोडक्ट्स को रंग बिरंगा बनाने के लिए ऐसे कुछ केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक टाट्राजीन जो है इसका प्रयोग कस्टर्ड में या आइसक्रीम में या सीरियल्स वगैरह में किया जाता है। और एक होता है सनसेट येलो। तो ये सनसेट येलो है, कुछ के तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये किस रंग के होंगे, तो ये सनसेट येलो है तो पीले रंग के होंगे। तो प्रायः बेक्ड गुड जो होते हैं या बेक्ड गुड यानी कोई भी बेकरी आइटम जिसको रंग बिरंगा बनाना है, जैसे केक है, बिस्किट्स है, इस तरह का बेकरी जो आइटम है उसमें इसका प्रयोग करते हैं, आइसक्रीम में या सीरियल्स में या स्नैक फूड्स में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो भोजन के अलग अलग रंग हैं ये अलग अलग केमिकल्स के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी रंग का बहुत अधिक प्रयोग करना मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक ही होगा। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि कम प्रयोग किया जाए और कम प्रयोग करके भी भोजन को बहुत अधिक सुंदर बनाया जा सके।